माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी कृपया पधारे और अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। मंच पर आसीन हम सबके श्रद्धा के केंद्र उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने वाले प्रदेश के नेता, हम सबके परम श्रद्धे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री माननीय नितिन जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी जी, विधान परिषद के सदस्य और इस क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी साकेत जी, अवधेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर प्रणव त्रिपाठी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित माताओं बहनों बंधुओं, सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक भूमि जहां पर महात्मा गौतम भगवान गौतम ने बुद्धा ने विचरण किया, जहां पर मां पाटेश्वरी जी का आशीर्वाद है, जहां पर लव कुश की जन्मस्थली है, ऐसे पावन क्षेत्र के आप जो जनता है यहां पर रहती है उसको नमन करना चाहता हूं। मित्रों, सांस्कृतिक धार्मिक इस धरा पर जो शिक्षा से वंचित थी उस क्षेत्र में जो सांस्कृतिक धारा थी, पावन धारा थी, मां सरस्वती की धारा प्रवाहित करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से वंदन करना चाहता हूं। मान्यवर भाइयों बहनों, संपूर्ण देश में भारत की चिति और प्रगति की दृष्टि से जो नई शिक्षा नीति दी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऐसे अपने महान प्रधानमंत्री मोदी जी को इस क्षेत्र से अभिनंदन करना चाहता हूं। आप जनता जो यहां बैठी है, जिसके मन में भावनाओं के उद्गार है कि हम अपना आभार व्यक्त करें माननीय योगी जी को, आपके उस उद्गारों को यहां से मैं शब्द देना चाहता हूं और माननीय योगी जी का आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, ये आभार क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र था, वंचित क्षेत्र था, न जाने कितनी योजनाएं योगी जी के आने के बाद यह प्रारंभ हुई, उसी कड़ी में यह विश्वविद्यालय दिया जा रहा है। और यह विश्वविद्यालय कोई मात्र विद्या का केंद्र नहीं है, यह वो केंद्र है जो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को निर्माण करेगा, देश का निर्माण करेगा, संस्कार देगा, एनईपी के अनुकूल यहां पर वातावरण देगा। मित्रों, तीन तरह के नेता होते हैं। एक राजनीतिक नेता होते हैं जो इलेक्शन टू इलेक्शन, यानी अपने अगले चुनाव तक की चिंता करते हैं कि हमें अगले चुनाव को जीतना है तो क्या छोटा मोटा काम करें। दूसरे राजनेता होते हैं जो अगले दशक तक का अपने चुनाव क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्र का विकास हो यह चिंता करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। तीसरे राष्ट्र नेता होते हैं, नेशन बिल्डर्स, ये वो होते हैं जो आने वाली नस्लों को पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए काम करते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जैसे शताब्दियां लाभान्वित हो, ऐसे हमारे नेता योगी जी है जिन्होंने आपको विश्वविद्यालय दिया। हमारा सौभाग्य है
कि हमको उत्तर प्रदेश में राष्ट्र नेता मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं। माननीय योगी जी सिर्फ सीएम नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है, ये भावी राष्ट्र के निर्माता है। माननीय योगी जी मात्र मुख्यमंत्री नहीं है, मानवीय संवेदनाओं से युक्त सफल और कुशल प्रशासक भी है। माननीय योगी जी मात्र सफल और कुशल प्रशासक ही नहीं है, एक दिव्यात्मा जिनके अंदर विराजती है, ऐसे हमारे नेता है माननीय योगी जी। हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला, हमको ऐसे शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला है जिससे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। दोस्तों यहां पर जो नागरिक बैठे हैं जिनको यहां समय समय पर योगी जी का आशीर्वाद मिलता है, और यहां जो नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जो यहां पर दर्शन कर रहे हैं माननीय योगी जी रूपी दिव्यात्मा को, उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी। दोस्तों रश्क मतलब ईर्ष्या, आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी दोस्तों जब तुम कहोगे कि हमने योगी जी को देखा है, मात्र इनके दर्शन हुए हैं आपको, और आप आने वाली पीढ़ी को जब बताएंगे तो उनको आपसे ईर्ष्या होगी कि आप हैं जो योगी जी को देख चुके हैं और हमसे सोचिए कि हम तो इनके साथ काम कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, योगी जी का आशीर्वाद है, या मां पाटेश्वरी के भूमि पूजन का यह अवसर है। यह कोई चुनावी प्रलोभन नहीं है, यह भाजपा का संकल्प पत्र में घोषणा थी कि हम प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय देंगे। यानी आप कल्पना कीजिए कि 18 में से 6 सरकारी मंडल ऐसे थे जहां पर विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय योगी जी ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा कैसे पहुंचे, इस संकल्प को पूरा किया। उनकी कार्यशैली में संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, संकल्प का विकल्प है तो उसको पूर्णता की ओर ले जाना है, यह उनकी कार्यशैली। और उनकी कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश के पूरे परसेप्शन को बदला है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें उत्तर प्रदेश को कमी नहीं है, पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था, अंतिम पायदान से उसकी गिनती होती थी। आज शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण के विषय हो, ऊर्जा का विषय हो, विकास का विषय हो, कितने विषय अगर ले सुबह से शाम हो जाएगी, कितना काम हुआ है माननीय योगी जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में। आज मैं शिक्षा की बात करूंगा सिर्फ क्योंकि शिक्षा का ये मंच है इस समय। मित्रों इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का हो नहीं सकता कि यदि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे तो हमको वोट करोगे, और इस प्रदेश में ऐसा हुआ। पटवारा हो चुका था शिक्षा का, जर्जर हो चुकी थी, सड़ी गली हो चुकी थी, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जब थी उत्तर प्रदेश की हो चुकी थी। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश से आपने एजुकेशन ली है हिराकत से देखा जाता था, तब योगी जी को इस प्रदेश की सत्ता मिली थी। योगी जी 01 में उस व्यवस्था को पटरी पर लाया गया, और अब प्रत्येक मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय जो संकल्प था योगी जी का वो पूरा कर रहे हैं, खुलने जा रहा है, उसी कड़ी में आज आपके यहां पर भूमि पूजन हुआ है।
उस व्यवस्था को पटरी पर लाया गया और अब प्रत्येक मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय जो संकल्प था योगी जी का वो पूरा कर रहे हैं, खुलने जा रहा है। उसी कड़ी में आज आपके यहां पर भूमि पूजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुंचे, इसके लिए पहली बार ऐसा हुआ कि दो साल के अंदर 22 निजी विश्वविद्यालयों को LOI या LOP मिल चुके हैं। 22 में 10 में LOP मिल चुके हैं, आगे मिलने के लिए यानी हर जगह शिक्षा पहुंचे। आगे एक हमें मार्गदर्शन दिया है मोदी जी योगी जी ने कि हर जिले में सरकारी विश्वविद्यालय बने, जो वंचित जिले हैं उनमें इंसेंटिव देगी सरकार, ऐसी कोई नीति बनाई है। यह शिक्षा के प्रति उनकी ललक है और जनता को शिक्षा कैसे मिले ये वो जानते हैं और शिक्षा मानव जीवन में कितनी आवश्यकता है। पढ़ाई और दवाई, शिक्षा और चिकित्सा, ये दो मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जहां विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है शिक्षा का, वही गुणवत्ता भी पिछले योगी जी के कार्यकाल में बढ़ी है। लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय UGC के ग्रेड वन में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के दो सरकारी विश्वविद्यालय और उसका परिणाम है पहले उत्तर प्रदेश का छात्र जो पढ़ना चाहता था दूसरे प्रदेशों में या विदेशों में जाता था, आज लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ सालों पहले तक मात्र 80 विदेशी छात्र पढ़ने आते थे, आज 800 से ऊपर छात्र पढ़ने आते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है, ये योगी जी की कृपा है, इनका मार्गदर्शन है, इसका इनका दिशा निर्देशन है। 740 करोड़ रुपया यहाँ की शिक्षा की उन्नति को देखते हुए माननीय सीधा विश्वविद्यालय को दिया है, जिससे वो अपना विकास कर सके, अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सके, आम व्यक्ति को शिक्षा मिले। पूरे देश में सबसे बड़ी धनराशि उत्तर प्रदेश को इसलिए दी गई क्योंकि योगी जी हैं, यह मोदी जी भी जानते हैं। मित्रों, शिक्षा की इस उन्नत होती श्रृंखला में आपके यहां पर सौगात देने, भूमि पूजन करने हमारे नेता, हमारे आदरणीय श्रद्धेय योगी जी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। यहां पर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, NEP लागू होगी। शिक्षा NEP का मूल बिंदु क्या है? शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। आज ये पूरा क्षेत्र इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां जुड़ेंगी। यहां बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, गोंडा, ये सब लोग प्रभावित होंगे। यहाँ के लोगों को अब बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, स्थिति वो बनेगी कि बाहर के लोग यहां पढ़ने आएंगे, ये होगा। मित्रों, शिक्षा का विकास और विस्तार के लिए आज योगी जी ने हमारे क्षेत्र आपके क्षेत्र को समय दिया है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद।